अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.7, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस चैप्टर में हमने बहुत से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी किए हैं और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं। क्लियर। अब सवाल ये है कि वो वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं, हम कितना श्योर हैं कि वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो क्वाइट पॉसिबल कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ही ठीक ना हो, वो इंस्ट्रूमेंट ही आपको रॉन्ग वैल्यूज दे रहा हो। सो जब भी आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हों, मेक श्योर कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ the quality of the measuring instruments, कि जब भी हम measurement ले रहे हों हमारा जो instruments है वो quality होना चाहिए। And the second point is the skills of observer, जो observer है जो कि उस instrument से reading measure कर रहा है, क्या उस observers में ये skills हैं कि वो reading measure कर सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डैट इज़ द स्केल ऑफ ऑब्जर्वर। अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, जैसा कि हमने मीटर रूल में किया था, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्केल है। अब यहाँ पर वो रीडिंग है जो हमने मेजर करनी है। क्लियर। ठीक है, जो रीडिंग हमने मेजर करनी है वो यहाँ पर है। तो अगर मैं इस जगह से देखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी एग्जैक्ट रीडिंग मेजर नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक रूल है कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो एग्जैक्ट उसके ऊपर होना चाहिए, तब ही आप एग्जैक्ट रीडिंग मेजर कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि अगर वो ऑब्जर्वर स्किलफुल है, अगर उसको पता है ये बात कि उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल उसके सामने है, तो तब ही वो एग्जैक्ट रीडिंग मेजर कर सकता है। क्लियर। द थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। अब लेट्स सपोज कि मैं एक चीज़ की लेंथ मेजर कर रही हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम जब लेंथ मेजर की तो उसका आंसर आया 14.2। क्लियर। अगेन मैंने सेकंड टाइम फिर से मेजर की तो अब उसका आंसर आया 15.3। तो अब मैं थर्ड टाइम जब अगेन मेजर करती हूँ तो अब फिर उसका आंसर आया 15.3। अब सवाल ये है कि इसकी कौन सी लेंथ एक्यूरेट है। ठीक है, लास्ट टू टाइम जो है वो 15.3 आंसर आया था, दैट्स वाई 15.3 जो है वो एक्यूरेट आंसर है। सो अगर मैं फर्स्ट मेजरमेंट के बाद स्टॉप कर देती और मैं मज़ीद ऑब्जर्वेशन ना करती तो मैं 14.2 मेजरमेंट नोट कर लेती। अब 14.2 मेजरमेंट जो है जो कि हमारे पास ठीक नहीं थी, तो मुझे ये कैसे पता चला कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो जब भी आप किसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हों तो उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लें, एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स उसको आप लें, तो तब आप ये एनालिसिस करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर। तो वो उसका एक्चुअल आंसर होगा। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जिससे आपकी मेजरमेंट जो है वो मेक श्योर की जा सकती है कि वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है या कितनी ज़्यादा ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बुक की। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर
is all the accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures. Clear? So जितने भी accurately known digits होते हैं, accurately known digits, मैं इसको underline करती हूँ, तो accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures. अब example discuss करते हैं कि student ने एक book की length measure की, ठीक है, और लेंथ मेजर करने के बाद उसका जो आंसर आया वो था 18 meters. क्लियर? क्वाइट पॉसिबल कि वो 19 भी हो सकता था या 17 भी हो सकता था. सो इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो 1 है हमारे पास, ये है एक्यूरेट, और जो 8 है इसमें आपको डॉप्टफुल है. That's why हम कहेंगे कि इसमें एक एक्यूरेट डिजिट है और एक जो है वो डॉप्टफुल डिजिट है. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं? 2. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए हमारे पास, वो 2 हो गए. एक हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है और एक डॉप्टफुल. तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. अब एक और स्टूडेंट ने उसी बुक की लेंथ को मेजर किया और उसने उसका आंसर निकाला 18.4 meters. ठीक है, अब यहाँ पर जो 18 है ये हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है और जो 4 है इसमें आपको डॉप्टफुल है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, दैट इज 3. क्लियर? अगेन एक और स्टूडेंट ने उसी ही बुक की मेजर लेंथ मेजर की, दैट इज 18.425 meters. क्लियर? अब यहाँ पर 18 जो है ये हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है और 4 जो है ये हमारे पास डॉप्टफुल डिजिट है. क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 नहीं है, बिकॉज इसमें उसने एक वर्ड यूज़ किया कि हम उसको मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं. तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है, दैट इज़ 0.1 centimeter. सो दैट मीन के पॉइंट के बाद आप एक डिजिट की मेजरमेंट ले सकते हैं. सो इस केस में होगा क्या कि जो 2 और 5 है ये तो आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आप काउंट ही नहीं करेंगे कि ये आप मीटर रूल से फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. सो इस केस में अगेन ये एक्यूरेटली होंगे और ये 1 जो है ये 4 जो है ये डॉप्टफुल होगा. क्लियर? तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हुए, दैट इज 3. तो अब अगेन ज़रा डेफिनेशन पे आ जाएं. तो ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स अब यहाँ पर मैंने एस लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एस लिखा एंड फर्स्ट डॉप्टफुल डिजिट, अब यहाँ पर मैंने एस नहीं लिखा. दैट्स मीन के डॉप्टफुल डिजिट जो है वो हमेशा 1 होगा और एक्यूरेटली डिजिट्स जो हैं वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि इसमें 2 एक्यूरेट थे और 1 डॉप्टफुल था. क्लियर? 2 एक्यूरेट थे
एक डॉप्ड फुल था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने हुए, दैट इज 3, क्लियर। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी भी मेजरमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।